हे गाइस, दिस इज़ योर दीक्षा शर्मा एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं रेसिमोस एंड साइमोस। आप सबको ही पता है ये इन्फ्लोरेसेंस के कुछ मेजर टाइप हैं, कुछ क्या दो मेजर टाइप हैं। सो आज हम इनके बारे में, मतलब इनको याद करने की जो ट्रिक है वो बताऊंगी मैं आपको। फर्स्टली ट्रिक बता देती हूँ, देन मैं आपको इसका थोड़ा सा समझा दूंगी। अगर ट्रिक ही देखनी होगी तो ट्रिक देख के आप लोग जा सकते हैं, एंड अगर आपको समझना भी होगा तो आप थोड़ा सा आगे तक देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो जिस बेसिस पे इन दोनों को डिवाइड किया गया है वो है कि जो फ्लावर्स हैं वो कंटिन्यूली ग्रो करते रहेंगे या फिर उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम देखते हैं इसको। तो जो हमारा रेसिमोस है इसमें क्या होगा कि जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूली होती रहेगी, कंटिन्यू टू ग्रो, ये कंटिन्यूली ग्रो करते रहेंगे, बट ये जो है इनकी लिमिटेड ग्रोथ होगी। ठीक है, साइमोस की होगी लिमिटेड ग्रोथ। और इसका हमें जो कन्फ्यूज़न होता है वो ये होता है कि एक्रिपिटल पैटर्न से कौन ग्रो कर रहा है एंड जो वेसिपिटल पैटर्न है उससे कौन ग्रो कर रहा है। तो हम उसको याद करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैंने जैसे याद रखा था मैं वो बताती हूँ। मैंने वीसी करके याद रखा था, सबको पता है एक गाली है, तो वैसे ही मैंने याद रखा था। वीसी जिससे बी से वेसिपिटल एंड सी से साइमोस हमारा, तो जो साइमोस है उसमें बेसिपिटल टाइप ऑफ ग्रोथ होती है एंड जो अपोजिट होगा वो दूसरा होगा, लाइक रेसिमोस में एक्रोपिटल हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ऐसे याद किया था वीसी। ठीक है, वीसी रख लो आप लोग, बेसिपिटल साइमोस। ओके, तो ये हो गया हमारा इन दोनों को याद रखने का तरीका। और दूसरा आप कैसे याद रखोगे कि किस में जो है वो कंटिन्यूली ग्रोथ हो रही है और किस में जो है वो लिमिटेड ग्रोथ हो रही है। तो उसको याद रखने के लिए मैंने कैसे याद रखा है, जो रेसिमोस है देखो इसकी स्पेलिंग लंबी है एंड इसकी स्पेलिंग छोटी है। तो रेसिमोस जो है वो स्पेलिंग लंबी है तो ये कंटिन्यूली ग्रोथ करता रहेगा, मतलब ज़्यादा ग्रोथ होगी, लंबा होगा। एंड साइमोस जो है वो स्पेलिंग छोटी है, तो याद रख लेना कि ये लिमिटेड ग्रोथ होती है, जल्दी ही ग्रोथ खत्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो मैंने वैसे याद रखा कि रेसिमोस की स्पेलिंग ज़्यादा लंबी है तो ये कंटिन्यूली ग्रोथ करता रहेगा एंड इसकी छोटी है तो ये लिमिटेड ग्रोथ शो करेगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फोटो शो कर देती हूँ एनसीईआरटी के यहाँ पे, तो आप उससे देख लीजिए। ऊपर जो है आपका रेसिमोस है एंड नीचे आपका साइमोस है। रेसिमोस में देखो इन्होंने कोई एंडिंग नहीं बताई है फ्लावर्स की, ठीक है, और जो साइमोस है इसमें एंडिंग बताई है, तो मतलब ये इसकी ग्रोथ जो है साइमोस की वो लिमिटेड होती है एंड रेसिमोस की वो कंटिन्यूली ग्रोथ करता रहता है। ठीक है, और क्या याद करना है इसमें, और आपको याद करना है इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स कैसे याद करेंगे हम, वैसे तो वहाँ पे एग्जैक्ट दिए नहीं है बट जो एनसीईआरटी में दी हैं आपके, ठीक है, हम वही याद करेंगे, मतलब जो एनसीईआरटी में आपकी फैमिलीज दी हैं उनमें दिया गया है तो वो याद करते हैं हम। जो आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली है या लेग्यूमिनेसी फैमिली है या फेविएसी फैमिली है, ये एक ही है, आप पता होगा इतना। तो जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है उसमें होगा रेसिमोस एंड जो दो बच गई आपकी सोलेनेसी एंड लिलिएसी, उसमें होगा आपका साइमोस। ओके, तो आपने कैसे याद रखना है, जो आपका लेग्यूमिनेसी है उसमें रेसिमोस और जो दो बच गए उसमें आपका साइमोस। ठीक है, कैसे, लेग्यूमिनेसी जो है वो सिर्फ रेसिमोस में है, लेग्यूमिनेसी सिर्फ रेसिमोस में और जो दो बच गए उनमें साइमोस है। ओके, याद हो गया, एग्जाम्पल याद हो गए, ये याद हो गया आपका एक्रोपिटल वेसिपिटल किस में है और कौन कंटिन्यूली ग्रोथ करता है वो भी याद हो गया, जो तीन पॉइंट मैंने बताए वो याद रखने हैं। और देखो यार, आपने अगर ये देखना हो कि एक्रिपिटल का मतलब क्या होता है, एक्रिपिटल का मतलब होता है कि जो फ्लावर्स हैं, जो यंग वाले फ्लावर हैं वो आपके अपेक्स पे होंगे एंड जो आपके ओल्डेस्ट फ्लावर हैं, ओल्ड वाले हैं, वो आपके बेस पे होंगे। और जो बेसिपिटल है इसमें इसका उल्टा होगा, जो यंग वाले हैं आपके, यंग वाले हैं वो बेस पे होंगे एंड जो आपके ओल्ड वाले हैं वो आपके होंगे अपेक्स पे। ठीक है, तो क्या है, एक्रोपिटल में यंग वाले होंगे आपके अपेक्स पे, मतलब ऊपर होंगे अपेक्स पे, और जो ओल्ड वाले हैं वो होंगे नीचे बेस पे, और इसमें जो बेस पे होंगे वो होंगे आपके ये यंग एंड ओल्ड वाले जो हैं वो ठीक हो रही हूँ, हाँ अपेक्स पे होंगे। ठीक है, तो यही है तीन पॉइंट, क्या बोला मैंने, बीसी बेसिपिटल साइमोस एंड रेसिमोस की स्पेलिंग लंबी है तो ये कंटिन्यूली ग्रो करता रहेगा एंड एग्जांपल क्या बताया, लेग्यूमिनेसी में जो है वो रेसिमोस होगा और जो दो बच्ची फैमिली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उनमें होगा साइमोस। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो।